हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज सांगेसवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष मानवतावादी दिवस मनाता है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो 19 अगस्त में मनाया गया। अच्छा, जो विश्व मानवतावादी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि सभी लोग मानव बने सबसे पहले, धर्म जाति तो बाद में होगी, सबसे पहले लोग ह्यूमन बने। ठीक, तो इस अभियान का नाम क्या रखा गया? रियल लाइफ हीरोज़। इस मिशन यानी अभियान का नाम क्या रखा गया? रियल लाइफ हीरोज़। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष 19 अगस्त को ये मनाया जाता है। ठीक, आईपीएल शीर्षक के देखे होंगे, टाइटल होता है इसे वीवो आईपीएल। तो वीवो कराया, स्पॉन्सरशिप मिला, तो आईपीएल का इसे स्पॉन्सरशिप मिलता है तो वीवो को मिला था। तो आप आज अब तक पढ़ते देखते आ रहे होंगे आईपीएल के पहले टाइटल के पहले टाइटल के रूप में लगता था वीवो, तो वीवो आईपीएल। तो अब वो वीवो को स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया है, तो इसकी जगह किसने लिया? तो आईपीएल शीर्षक के शीर्षक प्रायोजन का अधिकार हासिल किया, मतलब टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार हासिल किया है ड्रीम इलेवन। जानते हैं ड्रीम इलेवन को कितना तेज तरह से वो किया जा रहा है, मतलब ग्रो किया जा रहा है। तो ड्रीम इलेवन ने जीता टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल T20। ठीक है, आईपीएल T20 यानी 2020 का स्पॉन्सरशिप किसने जीता? तो 2020 में ड्रीम इलेवन आईपीएल T20 बोला जाएगा, जैसे वीवो आईपीएल बोला जाता था, अब बोला जाएगा ड्रीम इलेवन। ठीक है, तो 222 करोड़ रुपए की बोली लगाया है ड्रीम इलेवन ने। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा बोली लगाकर टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया, तो स्पॉन्सरशिप हासिल किया है ड्रीम इलेवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको बताना है कि जो आईपीएल इस बार जो होना था टली गया COVID-19 के कारण, कोरोना वायरस की वजह से, अब भारत की जगह यह किस देश में खेला जाएगा आईपीएल T20 2020 का? ठीक, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों के नाम दिए गए? तो 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। आपको पता होगा खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा माना जाता है, पेपर में भी आता है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, यानी सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है। 4 लोगों का नाम दिया गया है 2020 के लिए। पहले रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट जो कि पहलवान यानी रेसलर हैं, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, और एम थंगावेलु पैरा ओलंपियन है। ठीक, तो इन 4 लोगों का नाम दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुम्हार पारा, नाम ही देखिए डिफरेंट है, पढ़ाई मतलब एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, टीचिंग के लिए, पढ़ने से संबंधित ये है, तो ये योजना शुरुआत की है। तो किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुम्हार पारा नामक योजना, यानी ये जो योजना लाई गई है, किसने शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उनके द्वारा शुरू किया गया है पढ़ाई तुम्हार पारा। अच्छा, इसमें क्या है, जो गाँव के जो रहते हैं गाँव में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे किसी चीज़ की उनके पास अभाव है, कमी है पैसों की या टेक्नोलॉजी की या फिर किसी चीज़ की है, जानते हैं लाइट भी थोड़ी सी अब तो पहुंचने लगी है, तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है जिसमें छात्रों को अपने गांव के समुदायों की मदद से अध्ययन कराया जाएगा, मदद किया जाएगा उनकी पढ़ाई में, जिससे वो पढ़ने में उनका दिक्कतें कुछ आए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अभी हाल ही में मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस, तो विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को ये भी मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मानवतावादी दिवस और 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस दोनों मनाया जाता है। पर विश्व फोटोग्राफी दिवस फोटोग्राफी के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करना, कि इसके फील्ड में लोग आएँ, इसको अच्छा समझें, इसके फील्ड में आएँ, अपना अच्छे से फोटोग्राफी लें, तो इसके लिए मनाया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि 18 अगस्त को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो आप जानते हैं मेघालय के नए राज्यपाल अब कौन है? तो सत्यपाल मलिक। तो आपको बताना है
कि सत्यपाल मलिक को किसके स्थान पर लाया गया, तो सत्यपाल मलिक को बनाया गया है, जो कि सत्यपाल मलिक इससे पहले किसके राज्यपाल थे, तो गोवा के राज्यपाल थे, किसके, गोवा के, और गोवा से पहले किसके थे, जम्मू एंड कश्मीर के थे, गोवा से पहले किसके थे, जम्मू एंड कश्मीर के भी रह चुके थे। 2018 मई में याद होगा इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण 370 हटाने के लिए बहुत ही ऐसा काम किए, वर्क किया है 370 हटाने के लिए, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो 18 अगस्त को मेघालय का राज्यपाल किसे बनाया गया, तो सत्यपाल मलिक को बनाया गया। इससे पहले किसके किसके गवर्नर थे यानी राज्यपाल थे, तो गोवा के, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर, बिहार के भी रह चुके हैं। बहुत ही उम्दा काम है इनका, 370 हटाने में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है इन्होंने। आयुष मंत्रालय ने, जानते हैं आयुष मंत्रालय, आयुष जनधन योजना आप जानते होंगे, जनधन प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना लाई गई थी, उसका नाम आयुष रखा गया था। तो आयुष मंत्रालय ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा जागरूकता अभियान शुरू किया, जानते हैं सबकी इम्यूनिटी इसमें बहुत ही वीक देखने को मिले, इससे लोगों की डेथ भी आ रही है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि लोग को कोरोना वायरस से बचें और आने वाली अन्य बीमारियों से बचें और भी कई सारी बीमारियों से बचें, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके, तभी तो बच सकेंगे। तो आयुष मंत्रालय ने इसको देखते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान यानी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम है आयुष फॉर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके, तो आयुष फॉर इम्यूनिटी नाम का जागरूकता अभियान, मतलब लोगों को जागरूक करें। ये 3 महीने तक ये चलेगा, कितने महीने तक चलेगा, 90 दिन तक ये चलाया जाएगा, 3 महीने तक ये चलाया जाएगा आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक ये जागरूकता अभियान, और लोगों को इसमें उपाय बताया जाएगा कि आप कैसे इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएं, कैसे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 16 अगस्त को चेतन चौहान जी का निधन हुआ, जो कि पूर्व क्रिकेटर थे चेतन चौहान जी। ठीक है, 16 अगस्त को चेतन चौहान जी का निधन हुआ, कोरोना वायरस से बताया जा रहा है, किससे मरे हैं, कोरोना वायरस से। ठीक, ये यूपी के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं यूपी के, साथ साथ 2 बार लोकसभा के लिए ये चुने भी गए हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने जीता है, बहुत अच्छी हस्ती थे। तो यूपी के पूर्व गृह मंत्री या फिर कह लीजिए 2 बार लोकसभा के चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी से बोलते हैं, या फिर कह लीजिए पूर्व क्रिकेटर, इनका क्या हुआ, चेतन चौहान जी का 16 अगस्त को कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रूस द्वारा कोविड-19 रजिस्टर्ड मतलब पंजीकृत, 2 बार लिख गया, पंजीकृत क्या वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है, तो पंजीकृत वैक्सीन जो है पंजीकृत रजिस्टर्ड तो होती है, जैसे कोई कॉपीराइट ना कर सके इसलिए रजिस्टर्ड कर दिया जाता है यानी पंजीकृत कर दिया जाता है, तो उसका नाम क्या रखा गया है, स्पुतनिक 5। क्या नाम रखा गया है, स्पुतनिक 5। तो कोरोना वायरस का सबसे पहला लॉन्च करने वाला देश कौन सा है, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन लॉन्च करने वाला देश, तो रूस। तो इसका नाम क्या रखा गया उस वैक्सीन का, तो स्पुतनिक 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उत्तराखंड में 70 साल बाद देखी गई उड़ने वाली वुली नाम की गिलहरी, वुली एक गिलहरी होती है, स्पीसीज बहुत ही दुर्लभ है, रेयर है, बहुत ही संकटाग्रस्त जीव माना गया इसे, बहुत ही 70 साल बाद देखी गई उत्तराखंड में, और 70 साल बाद उत्तराखंड यानी यूके यानी उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में देखी गई है। ये क्या है, उड़ने वाली गिलहरी है, ये अपने जो पंजे हैं उससे इसके पर मतलब निकले होते हैं, उस पर बोल दिया है, उसका पैराशूट की तरह इस्तेमाल करती है और अच्छे से इजीली उड़ सकती है ये वुली नामक गिलहरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।